हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सुबह सुबह आज हम, मैं अकेली नहीं, पूरा फैमिली मिलके, स्पेशली राय को हम लोग लाए हैं वॉक में ले जाने के लिए। एंड आज का मैं मौसम के बारे में तो बता ही देती हूँ, आज का वेदर बहुत अच्छा है। लाइक इट इज़ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग के लिए इट्स लाइक बहुत ही अच्छा वेदर है। तो अभी हम लोग बाहर आए हैं हम लोग के ट्रेल पे वॉक करने के लिए। तो चलिए, लेट्स गो एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइज। एंड वीकेंड हो तो भी क्या, सब थोड़ा एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। एंड कहाँ है राय? मामा कम ऑन, राय अभी तक कार पे बैठी हुई है। तो चलिए, लेट्स डू सम एक्सरसाइज नाउ। अभी टाइम हो रहा है लाइक 10 o'clock नहीं हुआ है, हम लोग कब 9:30 को ही घर पे पहुंच गए थे। एंड आने के बाद आज सैटरडे का ब्रेकफास्ट वाज वेरी सिंपल एंड बहुत ही सिंपल था। लाइक हम लोग बंगालीज में खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, पहले ज़माने में तो सीरियल्स नहीं था तो सब लोग पोहा खाते थे विथ पोहा, मतलब पोहा नहीं, सॉरी मुरमुरे, पफ्ड राइस, पोहा नहीं, मुरमुरे खाते थे। तो हम लोगों ने खाया पफ्ड राइस विथ मिल्क एंड बनाना। एंड अभी राय रेडी हो गई है क्योंकि उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है, फिर भी अच्छा है, घर से है। लाइक दिस ऑल ऑनलाइन क्लासेस ना आर गुड, सपोज अगर आप जस्ट सीखना स्टार्ट करें देन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई चाहिए राइट जो बोलेगा कैसा होगा एंड ऑल। बट हाँ, थोड़ा अगर लाइक लिटिल बिट आपको आइडिया एंड ऑल हो जाए, लाइक अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे हो देन यू कैन डू इट, क्योंकि वो नोट्स एंड ऑल भी जानना होता है। तो अभी मैं अपने हबी को बोल रही हूँ कि मुझे भी दिखा दो। लाइक अभी हम लोगों ने उसका वायलिन क्लास 2 दिन कर दिया है, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर में इतना ख़राब हूँ, मुझे पता ही नहीं है कैसे करके अंदर, लाइक अंदर नहीं, कंप्यूटर के अंदर नहीं घुसना है, पर यू नो हाउ टू डू दैट थिंग। तो मैं भी अभी देखूंगी, अंदर नहीं घुसना है, अंदर नहीं घुसना है, बट हाउ टू लाइक यूज इट। या तो यहाँ पे रेडी हो गई है राय। एंड जाने से पहले एक्चुअली हम लोग मंडे गए थे ना, लाइक इंडिया जाते वक्त, तो संडे हम लोगों ने एक क्लास लिया था एंड शी वॉज गुड ना माँ, तो राय को वो अच्छा ही लगे था। अब देखेंगे कितना दिन ऐसा चलेगा। एक्चुअली वी आर सर्चिंग समवन लाइक जो कोई अच्छा टीचर हो, पर अभी तक ऐसा हम लोग को कोई मिल नहीं रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12 o'clock एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टू गेट सम ग्रोसरीज। नहीं, वो नॉर्मल का मंदिर तो मैं जाती हूँ, ये बड़ा मंदिर है, दैट मीन्स हम लोग को खरीदना है इंडियन ग्रोसरी। जनरली जब मैं इंडियन ग्रोसरी खरीदती हूँ लाइक ऐसा ज्यादा ऐसा 2-3 महीने के लिए मैं खरीदती हूँ, जैसे कि दाल एंड ऑल दैट, स्पेशली ऑयल, राइस एंड ऑल, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जो शॉप है ना वहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, ज़्यादा कुछ वेराइटीज़ नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं एडिसन ओक ट्री रोड। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन शॉप्स है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं मोस्ट ऑफ यू नो कि एडिसन में बहुत सारे इंडियन शॉप्स है, तो वहाँ पे ना बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक लाइक ग्रॉसरी आइटम मिलता है स्पेशली फॉर इंडियन फूड के लिए। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, जब भी ओक ट्री रोड जाते, एक तो चीज अच्छा होता है कि मैं लंच नहीं बनाती हूँ कि वहां पे जाके हम लोग खाते हैं। तो आज का सैटरडे एक्चुअली अच्छा ही है, मौसम भी अच्छा है। सुबह सुबह हम लोगों ने जल्दी वी वोक अप, फिर हम लोगों ने वॉक किया। पता नहीं अभी मेरे हबी इतना जोर जोर से गाड़ी क्यों चला रहे हैं, एंड मेरा शॉपिंग भी हो जाएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड अभी टाइम हो रहा है 1:13 एंड हम लोग निकले थे विद लॉट ऑफ कार्स आर कमिंग एंड हम लोग निकले थे कितने बजे ऐसा 12 समथिंग को निकले थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इट टेक्स अराउंड 40-45 मिनट्स हम लोग यहाँ पे सिर्फ आते हैं वो ग्रॉसरी शॉपिंग करने ही तो पहले जाके अभी खाएंगे एंड फिर ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे एंड ये आप लोग बहुत जन पूछ सकते हैं कि पायल तुम्हारा लिपस्टिक कौन सा लाइक का नंबर एंड ऑल क्या है तो ये है स्मैश बॉक्स का लिपस्टिक एंड ये कलर एक्चुअली बहुत ही अच्छा है सी सो ये स्मैश बॉक्स का ये बहुत ही ऐसा डेंजरस नाम है कुछ मैन ईटर ऐसा ही कुछ नाम है आई एम श्योर मैंने अभी भी नहीं ऐसा ही नाम है आई एम श्योर कुछ ऐसा मैन ईटर टाइप नाम है तो यहाँ पे है सब्जी मंडी एंड ऑलरेडी इट इज वेरी क्राउडेड वही ना सैटरडे को बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है तो ये हम लोगों का 2020 का मुझे लगता है फर्स्ट आउटिंग है जहाँ पे चलो ग्रोसरी खरीदने आए पर फिर भी अच्छा लगता है थोड़ा घूमना फिरना तो होता है एंड यहाँ मेरे हबी ने लिया है गुजराती थाली खाना ऐसा अच्छा ही था पर वो ही ना तीखा नहीं होता है वो लोग तीखा इतना कम देते हैं लाइक मैंने वड़ा पाव भी लिया था जनरली वड़ा पाव का जो चिली होता है ना वो बहुत ज्यादा तीखा होता है ये चिली तीखा ही नहीं था इतना लंबा था पर बिल्कुल भी तीखा नहीं था एंड मेरे हबी ने गुजराती थाली लिया था दैट वॉज वेरी गुड एक्चुअली ना इट वॉज वेरी लाइट ऑल्सो बहुत अच्छा था एंड पाव भाजी ऑल्सो वॉज लाइक इट वॉज ओके लाइक वो सिर्फ तीखानेस इज मिसिंग एंड वो हर वक्त ही मिसिंग ही रहता है यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ तो चलिए लेट्स गो एंड लेट्स गो डू सम ग्रोसरी शॉपिंग जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम लोगों का सब ग्रॉसरी शॉपिंग ओवर एंड मैंने बहुत सारा राइस ले लिया है क्योंकि लाइक मैं जीवा का ऑर्गेनिक राइस लेती हूँ वो ट्रस्ट में बहुत अच्छा होता है द बासमती राइस मे बी ग्रेन्स इतना लंबा एंड ऑल नहीं होता है पर लाइक खाने में बहुत टेस्टी होता है एंड हम लोग आए थे 1 बजे एंड नाउ द टाइम इज 2:40 तो खाना भी होगी हम लोग का ग्रॉसरी शॉपिंग भी होगी एवरीथिंग इज डन एंड आज तो शनिवार है तो घर में जाके सब कुछ रख के मैं राय को बोल रही थी राय तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लेना उसके बाद हम लोग देखेंगे लाल इश्क यू वांट टू सी मां या ये सब ना पहले पहले रहता है फिर थोड़ा दिन बाद वो सब क्या बोलो इंटरेस्ट ही चला जाता है फिर मुझे बिग बॉस भी देखना है एंड क्या एंड कल हम लोग मैं और राय हम लोग मूवी देखने गए थे वी वेंट टू वॉच जुमानजी हम लोग पहले सोच के रखा था हम लोगों ने कि आने के बाद विल सी तो जुमानजी एक्चुअली द सेकेंड पार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी गुड बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो फाइनली घूमना फिरना खत्म घूमना फिरना क्या वही ग्रोसरी शॉपिंग खत्म है आ गए हैं घर बच्चे लोग खेल रहे हैं तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:55 एंड मैं चाय नहीं पीऊंगी एंड मेक टी फॉर माय हबी एंड यहाँ पे है सारा सामान तो जो भी है आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ओनली लाइक मेरा मेन इंटेंशन था टू गेट राइस एंड आटा टा कोई ना ना आटा इखाने ना आई वो तो सामने में देखता हूँ हाँ तो आटा इखाने क्यों करे हो गए वो तो चुके देखता हूँ अच्छा ना ना इतने ही आता ओ यहाँ पे ही आटा है और एक तो ये ना चिकी एक तो आता तू तो ले आता हो आटा जब था ना आटा इतना बड़ा था मैं देखती हूँ मुझे लगा इतना बड़ा आटा का पैकेट है ऐसा छोटो हे भगवान वो देखने में ना नीचे इतना बड़ा पैकेट लग रहा था तो मैंने उनको बोला 1 किलो इतना बड़ा पैकेट है बट वी गॉट 2 ना नो वी गॉट 1 बिकॉज़ इट वाज सो बिग हे भगवान
मुझे लगा 20 LB का है, यानी 10 KG का है, यानी ये सिर्फ 4-5 KG का ही आता है। वो देखने में ऐसा था ना, तो बहुत ऐसा बड़ा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ और भी पैकेट था ना, तो मुझे लगा पूरा पैकेट होगा, इतना बड़ा होगा। हे भगवान, धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा नहीं हुआ है, मेरे आंखों का धोखा हो गया। तो चलिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं आओ, तो अभी मैं जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ। तो अभी शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, एंड देखिए कितना अंधेरा है ना, ऐसा लग रहा है कि रात के 8 बजे एंड ऑल गया, एंड क्रिसमस ट्री, टुडे इज द लास्ट डे, कल हम लोग सोच रहे हैं विल रैप अप। एंड फर्स्ट मैं दिखा देती हूँ, आई गॉट दिस जीवा का, बहुत हेवी है ये जीवा का बासमती राइस। ट्रस्ट मी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, यू कैन ट्राई, द राइस इज रियली गुड, बहुत अच्छा राइस है। तो दिस आई गॉट, कुछ लगा हुआ था, सो दिस आई गॉट, ये मैंने 4 पैकेट खरीदा है, क्योंकि हाथ में कुछ लग गया, वेट आई वॉश माई हैंड। एंड तो चलिए आपको दिखाती हूँ बाकी का सामान मैं क्या खरीद के लाई हूँ। एंड आटा तो थोड़ा फ्लॉप हो गया है, मुझे ना ऐसा लगा, नीचे में रखा हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगा अरे इतना बड़ा है, मैं अपने हबी को बोल भी रही थी, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली आई थॉट इट वाज 20 LB, तो मैं अपने हबी को बोल रही थी इतना बड़ा कहाँ पे रखेंगे, एंड फिर मैं देखती हूँ इतना छोटा पैकेट है। तो चलिए लेट मी शो यू ऑल दिस, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस आटा। ये 24 मंत्रा का है, एक्चुअली 24 मंत्रा का आटा मुझे अच्छा लगता है। देन शाम में मंचिंग के लिए आई गॉट ये, सिर्फ वन ओनली आई गॉट, क्योंकि राई नहीं खा सकती है ना, टेस्टी नट्स। फिर एंड हम लोगों को और एक चीज़ शाम को जो बहुत पसंद है चाय के साथ, वो है बिस्किट, तो वी गॉट मैरी गोल्ड बिस्किट एंड नाइस, ये भी मुझे अच्छा लगता है। देन माई फेवरेट, मोस्ट ऑफ यू नो, MTR का पुलाव मसाला। फिर यहाँ पे क्या आ गया, या सेसिमी सीड्स, ये भी 24 मंत्रा का है। देन यहाँ पे है चिंग्स का चिली विनीगर। फिर यहाँ पे अजवाइन सीड्स, अभी सब तो ऑर्गेनिक नहीं मिलता है यहाँ पे, तो जो जो नहीं मिलता है दैट इज़ फाइन। फिर मुझे ये सागू का पापड़ ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आई जस्ट गॉट ए स्मॉल वन। देन क्यूमन सीड्स, क्योंकि क्यूमन पाउडर मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ, मैं घर में हर वक्त बनाती हूँ, तो क्यूमन सीड्स। एंड दिस कंपनी ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, जीवा का सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पे मैं जैसे बोल रही थी ना, सब कुछ नहीं मिलता है। फिर पॉपी सीड्स एंड टाटा टी गोल्ड, हम लोग हर वक्त टाटा टी गोल्ड ही लेते हैं। देन मेनी ऑफ यू नो दैट माई हबी, उनको पसंद है लंच बॉक्स पे नूडल्स, लाइक उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो आई गॉट सम चिंग्स नूडल्स, ये शायद 6 पैकेट आई गॉट। देन ये तो काबुली चना है, ये 2 LB इट्स इनफ, हम लोग बहुत ही कम खाते हैं ये। देन आई गॉट सम मस्टर्ड सीड्स, फिर चिली पाउडर, एंड यहाँ पे है पाव भाजी मसाला, ये संजीवनी का पाव भाजी मसाला, या बस। एंड दिस वन ऑल्सो अगेन वन टाइम पास, कुछ ऐसा मैं मसाला खरीदती रहती हूँ। ये प्रिया का कोरमा चिकन मसाला, कभी ट्राई करके देखेंगे कैसा लगता है खाने में। एंड ये कश्मीरी चिली मसाला, बस वो मसाला नहीं, सॉरी पाउडर, पाउडर, बस इतना ही था मेरा मंथली का, मंथली नहीं 2 महीना तक तो चल ही जाएगा ग्रॉसरी शॉपिंग। तो सब्जी मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ, तो ये तो लौकी है, फिर ये मैंगो लीव्स है, ये मैं पूजा में दूंगी। फिर पान लीव्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू नो कि मंगलवार को मैं पूजा करती हूँ, तो मुझे चाहिए था, आई गॉट दिस पान लीव्स। फिर करी लीव्स, ये करी लीव्स फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। देन इसको हम लोग तो सीम बोलते हैं, शायद आप लोगों ने कुछ बोला था, सॉरी मैं भूल गई, तो मैं बहुत ही कम सीम लेके आई हूँ, पर ये बहुत ही अच्छा है। देन धनिया पत्ता, परवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड राय को भी पसंद है परवल भाजी, लाइक हम लोग के फैमिली में सबको परवल बहुत अच्छा लगता है। एंड ग्रीन चिलीज, बस हो गया। तो फाइनली सब कुछ मैंने जगह पे रख दिया, एंड दिस इज़ अ बिग वर्क, एंड रात के लिए अभी इट्स ओनली 7, पर हम लोग ना ट्रस्ट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कल भी लाइक डेली
8 बजे से पहले हम लोगों का खाना खाना खत्म हो जाता है. एंड माय मम्मी इज लाइक, तो तुम लोग चाय कब पीते हो? क्योंकि मेरे हबी का वो जल्दी भी आए, आते आते उनका 7:45 तो हो ही जाता है. तो मैं बोलती हूँ नहीं, हम लोग डिनर चाय सब एक साथ खाते हैं. तो मैंने मसूर की दाल बिठाया है. एंड पता नहीं मेरे हबी को क्या हो गया, वो दोपहर से बोल रहे हैं ना, बंगाली में एक बहुत ही ऑथेंटिक डिश है, मैंने जो लोग बंगाली है यू नो दैट इज कॉल्ड पोस्तो बाटा. मतलब पॉपी सीड्स को ना आपको ऐसा थोड़ा पानी में भिगो के फिर उसको सिर्फ ग्राइंड करना है, पॉपी सीड्स का पेस्ट बनाना है विद ग्रीन चिली. एंड वो गरम भात के राइस के साथ, मैं बंगाली बोल रही थी, भात बोल रही थी, तो वो ना गरम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है विद सम लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल. आज रात का डिनर बहुत ही सिंपल है, परवल फ्राई. एंड परवल से हम लोग थोड़ा हल्दी और नमक से फ्राई करते हैं. एंड मसूर की दाल भी रेडी हो गया है. तो अभी सिर्फ मुझे वो पोस्तो दैट इज पॉपी सीड्स को ग्रेट करना है. तो मैंने पॉपी सीड्स का पेस्ट बना लिया है विद सम ग्रीन चिली. एंड फिर मैं थोड़ा ग्रीन चिली ऐसा ही चॉप्ड ऐड कर रही हूँ, अनियन एंड थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, दैट्स इट. 8:10 में जैसे बोलती हूँ ना, हम लोग बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं. एंड डिनर तो बहुत ही सिंपल है. एंड मैंने दिखाया है ना, क्या बोलते हैं, पोस्तो बाटा यानी पॉपी सीड्स, वो पता नहीं मैंने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया है. एंड वो एक्चुअली गरम राइस के साथ ही खाने में अच्छा लगता है. एंड तो अभी मैं उनको बुला रही हूँ कि तुम आ जाओ, चलो हम लोग खा लेते हैं. एट ओ क्लॉक हो गया, मतलब हम लोग खाना खा लेंगे. एंड मेरा किचन 9 o'clock से पहले ही बंद होना चाहिए. तो चलो विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो. आज मुझे लगता है 2020 का हम लोग का फर्स्ट आउटिंग था जहाँ पे हम लोग बाहर गए ग्रॉसरी खरीदने के लिए. बट दैट इज ऑल्सो फन क्योंकि जाने आने में 1 घंटा लगता है. एंड सुबह से भी बहुत अच्छा लगा, वी वेंट आउट फॉर मॉर्निंग वॉक एंड ऑल. तो होपफुली यू ऑल ऑल्सो हैव एंजॉयड योर सैटरडे. एंड या पसंद आया है तो एक लाइक. एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. रुकिए, बाय बाय, मैं ऐसा अंधेरे में नहीं करूंगी. बाय बाय.